महाभारत से जुड़े ऐसे कई कथाएं हैं जो न सिर्फ रहस्य से भरे हुए हैं बल्कि हैरान कर देने वाले भी हैं। इन्हीं में से एक, कौन था श्री राम के पोता जो महाभारत युद्ध में पांडवों को ललकारा और कौरवों के दिया साथ, धर्म की पक्ष से नहीं अधर्म के पक्ष से लड़ा युद्ध। आप देख रहे हैं भक्ति मन, तो चलिए करते हैं ज्ञान की बातें। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जब महाभारत युद्ध की घोषणा हुई तब कौरव और पांडव अपनी सेना को एकत्रित करने के कार्य में जुट गए और दुनिया भर के सभी राज्यों के राजाओं से सहायता की प्रार्थना की। पांडवों को उम्मीद थी कि धर्म के मार्ग पर होने के कारण सभी राज्य उनके पक्ष में खड़े होंगे, लेकिन अधिकतर राज्य कौरवों के पक्ष में जा खड़े हुए और कौरवों की सेना की संख्या अधिक होती चली गई। हैरानी की बात यह थी कि जब श्री राम के नगरी अयोध्या का समर्थन भी कौरवों को मिला और पांडवों के हाथ कुछ नहीं आया। जिस समय यह युद्ध हुआ था उस समय श्री राम के पोता अयोध्या नरेश थे। श्री राम के पोता बृहदल अत्यंत शक्तिशाली थे। बृहदल श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश के पुत्र थे। महाभारत युद्ध के समय बृहदल ही रघुकुल वंश के प्रतीक थे। बृहदल ने हर प्रकार के युद्ध विद्या में माहिर भी थे। बृहदल महाभारत युद्ध के सर्वश्रेष्ठ और सर्वशक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। महाभारत युद्ध में उन्होंने कौरवों के साथ और पांडवों को युद्ध की चुनौती दी थी। बृहदल अकेले ही पांडवों को परास्त करने का साहस रखते थे। बृहदल न सिर्फ शक्तिशाली सूर्यवंशी थे बल्कि वह धर्म पारायण के मूरत भी थे। उन्होंने अपने जीवन में अपने वंशजों रघु, भगीरथ, हरिचंद्र और विष्णु अवतार श्री राम के भांति ही कई धार्मिक कार्य किए थे। महाभारत ग्रंथ के अनुसार बृहदल के महाभारत युद्ध में कौरवों का साथ देने के पीछे एक कारण पांडवों द्वारा हुआ एक अपराध था। दरअसल जब पांडव युद्ध से पहले इंद्रप्रस्थ के स्वामी बने तब उन्होंने राजयुषी यज्ञ का संकल्प लिया था। के पश्चात युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को विश्व के सभी राज्यों पर अपना आधिपत्य करने का आदेश देते हुए युद्ध के लिए भेजा था। भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन भाई की आज्ञा को पूरा करने के लिए अलग अलग राज्य में पहुंचे। इन्हीं में से एक राज्य था अयोध्या, जहां भीम ने बृहदल को हराकर अयोध्या को अपने अधीन कर लिया था। इसी के बाद से बृहदल ने पांडवों को सबक सिखाने के लिए महाभारत युद्ध में कौरवों के साथ दिया। हालांकि श्री कृष्ण के आदेश पर बृहदल ने अपनी पूर्ण शक्ति का युद्ध में प्रयोग नहीं किया था और इसी के कारण महाभारत युद्ध के 13वें दिन बृहदल अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के हाथों वीर गति को प्राप्त हुआ था। तो ये था श्री राम के पोता जिसने महाभारत युद्ध में पांडवों को ललकारा था। हमारी स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आप तक सही जानकारी पहुँचाने के प्रयास करेंगे। आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसे ही अन्य स्टोरी देखने के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।